तो बात करते हैं एक्रोमिगेली के नोट्स की, ठीक है। एंडोक्राइन मैक्रोमिगेली इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार। सो व्हाट इज एक्रोमिगेली, एक तरह से इंट्रोड्यूस करेंगे मेंशनिंग दैट एक्रोमिगेली इज व्हाट इट इज द परसिस्टेंट हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, है ना, आफ्टर प्यूबर्टी और आफ्टर फ्यूजन ऑफ एपिफाइसिस। परसिस्टेंट हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन आफ्टर प्यूबर्टी और आफ्टर फ्यूजन ऑफ एपिफाइसिस। इटियोलॉजी की बात करें तो पिट्यूटरी ट्यूमर की वजह से हो सकता है, ट्यूमर ऑफ पेनक्रियास, लंग्स एंड एड्रेनल ग्लैंड की वजह से हो सकता है, क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो हमारे पास फ्रंटल बोसिंग देखने को मिलती है यार, टॉल स्टेचर देखने को मिलेगा, हैंड का साइज बढ़ जाएगा, फुट का साइज बढ़ जाएगा, मैंडिबुलर एनलार्जमेंट देखने को मिलता है, ओके, प्रोगेनेथिज्म देखने को मिलेगा, जॉ प्रोट्रूड हो जाएगा, और जो स्पेस है बिटवीन लोअर इंसिजर टीथ वो क्या हो जाएंगे, वाइडन हो जाएंगे। ना इंक्रीज हो जाएगा क्या, जो हील पैड का थिकनेस है वो, है ना, विसरल ऑर्गन्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, तो विसरोमिगेली देखने को मिलेगा, और क्या डायबिटीज मेलिटस एसोसिएट है विद एग्रोमिगेली यार, है ना, स्किन जो होंगे वो ऑयली हो जाएंगे। तो बहुत सारे क्लिनिकल फीचर्स हैं यहाँ पे, हाइपर हिड्रोसिस देखने को मिलेगा, ज़्यादा पानी पिएगा वो, काइफोसिस भी देखने को मिल सकता है, कार्पल टनल सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विद एक्रोमिगेली, है ना, यहाँ पे प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस भी देखने को मिल सकता है, एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस भी हो सकता है यार, ना स्लीप एपनिया भी देखने को मिल सकता है। सी बहुत सारे क्लिनिकल फीचर्स हैं विच इज़ एसोसिएटेड विद व्हाट, एक्रोमिगेली, ठीक है। नाउ उसके बाद इन्वेस्टिगेशन क्या क्या कराएंगे, हमारे पास स्क्रीनिंग करा सकते हैं सीरम IGF लेवल का, जो IGF लेवल है वो क्या होगा, इंक्रीज्ड होगा भाई बहुत ज़्यादा, इंट्रिंसिक ग्रोथ फैक्टर्स, ओके। कंफर्मेटरी टेस्ट क्या होगा, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस इज द कंफर्मेटरी टेस्ट, यहाँ पे पोस्ट पैरेंडियल प्लाज्मा ग्लूकोज का भी चेक कर सकते हैं जो कि इंक्रीज होगा, हमारे पास MRI के अंदर क्या देखने को मिल सकता है, अगर पिट्यूटरी एडिनोमा हुआ तो वो देखने को मिल सकता है यार, उस केस में हमारे पास भी देखने को मिलेगा, एक्सरे भी करा सकते हैं। अगर हम बात करें कि जो डेफिनेटिव या फिर कन्फर्मेटरी टेस्ट है, दैट इज ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, उसमें क्या करते हैं,
75 ग्राम ऑफ एनहाइड्रस ग्लूकोज लेंगे, है ना, उसको डालेंगे तो ब्लड ग्लूकोज इंक्रीज हो जाएगा यार। एंड उसके वजह से हम क्या करेंगे, मेजर दी जीएच लेवल, ग्लूकोज बढ़ने के साथ अगर ग्रोथ हार्मोन का लेवल अगर लेस देन 0.4 माइक्रोग्राम पर लीटर है तो आदमी नॉर्मल है, लेकिन फेल टू डिक्रीज है अगर ग्रोथ हार्मोन का लेवल पहले ज़्यादा था बट ग्लूकोज डालने के साथ वो डिक्रीज नहीं हुआ, तो फिर हम क्या करेंगे, एमआरआई पिट्यूटरी कराएंगे। है ना, अगर उसमें पिट्यूटरी एडिनोमा दिख गया तो क्या होगा, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस यार, सर्जरी इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, इसमें क्या करेंगे, ट्रांसरिसेक्शन। सो इस केस हम क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे जीएच लेवल को, ग्रोथ हार्मोन के लेवल को, या फिर इंट्रेंसिक ग्रोथ, है ना, फैक्टर्स वन के लेवल को। जो कि इंक्रीज रहेंगे यहाँ पे, एंड अगर इंक्रीज है, इंक्रीज रहे ही रहे, तो ड्रग्स भी दे सकते हैं कुछ यार। एंड ड्रग्स में हमारे पास क्या है, सोमेटोस्टेटिन एनालॉग, लाइक ऑक्ट्रियोडाइन और ऑक्ट्रियोटाइड, लैन रियोटाइड, ये सोमेटोस्टेटिन एनालॉग है ना। ड्रग देते साथ साथ हम मॉनिटर करते जाएंगे यार ग्रोथ हार्मोन को, रिलेबल को, है ना। अगर फिर भी इंक्रीज लेवल देखने को मिला तो क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे जीएच रिसेप्टर एंटागोनिस्ट प्लस जो ड्रग का डोज है उसको बढ़ाएंगे। ऐड व्हाट, जीएच रिसेप्टर एंटागोनिस्ट या फिर डोपामिन एगोनिस्ट, ओके। इसमें हमारे पास जीएच रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में क्या आते हैं यार, पैग विसो मैंट, ये जीएच रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। अगर ये भी काम नहीं किया तो फिर रेडियोथेरेपी एंड फिर से ऑपरेशन करेंगे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ एक्रोमेगेली, है ना। इन्वेस्टिगेशन भी इसी में आ गया, ओ टी टी भी इसी में, ग्लूकोस स्टोरेज टेस्ट आ गया जो कि यहाँ पे कन्फर्मेटरी है इसका।